अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। क्या है, देखिए चुनाव चल रहा है और चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में आया हूँ सबसे निवेदन करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं। अच्छा सर, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया है जो बागपत में लोहा व्यापारी के अपहरण का मामला है, इस पर क्या कहेंगे? उसमें कहा है कि यूपी में महिलाएं और व्यापारी कोई सुरक्षित नहीं है। शायद प्रियंका गांधी पिछला शासन भूल चुकी हैं जिसके साथ वो थी हमेशा, जो हालात थे। अब जो अपराध, इक्का दुक्का जो अपराध जरूर है मैं कहूँगा, लेकिन अगर कानून व्यवस्था की कहीं ना कहीं आप दोनों पिछली सरकार में उसमें देखें तो शायद एक फ्रंट ऐसा है जिसमें इस सरकार के बहुत ज़्यादा नंबर हैं, वो है कानून व्यवस्था। अगर कोई घटना कहीं घट भी रही है उत्तर प्रदेश में तो प्रभावी कार्रवाई हो रही है। प्रभावी कार्रवाई ऐसी है कि बहुत से बदमाश तो जेल में हैं, कुछ ऊपर हैं, कुछ प्रदेश छोड़ कर चले गए। अगर इक्का दुक्का घटना इस तरह की हैं तो उनमें भी प्रभावी कार्रवाई निश्चित रूप से की जाए। सर, किसानों की स्थिति को देखते हुए मोदी सरकार ने एक अहम कदम उठाया जहां कृषि के 3 बिलों को लेकर आया, बावजूद उसके विपक्ष की काफ़ी दल और किसान संगठन लोगों ने तमाम विरोध किया और आंदोलन किए। सर, उस संदर्भ में सर आपका क्या बयान है? सर क्या देखिए, जैसे मैंने अपने भाषण में भी कहा, मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ बदल जाएगा इन कानून से, लेकिन आज तक वो किसान नेता मुझे ऐसा नहीं मिल पाया कि जो ये कहे कि इस कानून में किसान के हित में क्या है। हो सकता है कुछ बिचौलियों के हित में ना हो, जो बिचौलियाँ हैं उनके हित में कानून ना हो, लेकिन किसान के जो हित में किसान को मरगलाने का प्रयास किया है, विशेष रूप से हरियाणा और पंजाब में, वो राजनीतिक कारण है, वो किसान से जुड़ा हुआ कोई कारण। सर, बिक्री और खरीद ने मोती सिंह जी, मैं एक्सपोर्ट का काम करने की शुरुआत की, मैं आलू का रूस को एक्सपोर्ट करने का काम शुरू किया, मैं अपने कुछ मित्रों के साथ 2010-11 में, कि आलू को रूस से, मेरे एक दोस्त रहते थे, मैं रूस घूमने उनके पास गया, उन्होंने कहा कि आलू को इम्पोर्ट करते हैं भाई इंडिया से, आप हिंदुस्तान से आलू भेजो। तो मैं और मेरे कुछ दोस्त झांसम मंडियों में घूमे, फिरोजाबाद जिले में भी आया, आगरा में भी आया, मेरठ, हापुड़, कई जिलों में आलू पैदा होता है, जहाँ जहाँ उन सब जिलों में गया। समस्या क्या है मंडी की, अगर मुझे आलू एक्सपोर्ट करना था तो मैं आपसे सीधा नहीं खरीद सकता था, इलीगल था। मैं मंडी में जाता, हर जिले की मंडी में अलग रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा और जब आलू खरीद कर बाहर भेजूंगा। और अब क्या होगा कि मेरा जी करेगा किसान भाई बैठे, सब किसान भाइयों से बात करूंगा, पूरे देश में से कहीं से भी आलू खरीदूंगा, कहीं भी एक्सपोर्ट कर दूंगा। ये स्वतंत्रता आज इस कानून से इस नरेंद्र मोदी सरकार ने आपको दिलाई है, मुझे दिलाई है और सबको दिलाई है। आज खरीदार आएंगे, जिसका जी करे फैक्ट्री लगाओ, जिसका जी करे आलू खरीदो, जिसका जी करे सरसों खरीदो। पहले आज़ादी नहीं थी, MSP पहले भी थी, आज भी MSP रहेगी, लेकिन आज़ादी देने का काम प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं इस कानून के माध्यम से किया। तो अगर कोई भी, मैं किसान नेताओं से बहुत से मिला, मैंने पूछा भाई एक इस कानून में एक बात ऐसी बता दो जो किसान के हित में ना हो, मुझे कोई आज तक ये बात नहीं बता पाया। अगर किसी के मन में कोई सवाल, यहां बैठे हो मेरे साथियों के मन में, तो आप भी हाथ खड़ा होकर मेरे से एक सवाल पूछ सकते हैं अगर इस कानून के मामले में किसी के मन में हो। ये कानून किसान को फायदा देने वाला है, लेकिन साथ के साथ मैं ये भी कहता हूं, मैं अकेला ऐसा नेता हूं इस देश में जो एक बात खड़ा होकर कह देता हूं, आज भी किसान को उसकी फसल का, हर फसल का उचित मूल्य मिलना शुरू नहीं हुआ। इसकी लड़ाई बाकी है, लड़ाई हमें सबको मिलकर लड़नी है। जो काम अच्छा हुआ है उसे अच्छा कहेंगे और जो काम बाकी है, मुझे उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उस काम की तरफ भी हम चलेंगे। आज हिंदुस्तान मजबूत है, आज ये विपक्ष दल वोट मांगते हैं। मैं तो कहूँ नहीं, गठबंधन हूँ, लोकसभा के चुनाव में सपा बसपा लोकदल गठबंधन आया, चुनाव होते मायावती जी भागी, इस चुनाव में सपा लोकदल गठबंधन है, कोई भरोसा नहीं। चुनाव के बाद कौन सा किसे छोड़कर भागेगा, इनका कोई भरोसा नहीं। और 2017 से पहले जो एक दूसरे को गाली देते थे, आज गठबंधन के साथी हैं, तो इन गठबंधनों पर भरोसा ना करो। योगी आदित्यनाथ ने कई काम तो किसानों के ऐसे हैं मोदी सिंह जी, जो वाकई मुझे लगा कि आप लोग प्रचार प्रसार भी नहीं कर पाए, हम भी नहीं कर पाए। मेरे अच्छी तरह याद, अगर किसान अपने खेत से मिट्टी उठाना चाहता तो तहसील में तहसीलदार का होता कि जमीन की कीमत तो 5 लाख और पेनल्टी 10 लाख, आपको अधिकार नहीं था अपनी जमीन में से मिट्टी उठाने का।
योगी आदित्यनाथ ने अधिकार आपको दिया और ज्यादा प्रचार प्रसार भी नहीं करा। अब मिट्टी ठाकर नहीं गए, आपको कोई रोक नहीं सकता। किसान को मिट्टी कहा लेके जाओ। मेरे सामने ऐसे केस थे कि जमीन 2 बीघे और पेनल्टी 10 लाख, जमीन से ज्यादा की पेनल्टी मैंने देखी अलग थी। जब सरकार बनी थी मेरे अच्छी तरह आते 2017 में आलू के भाव पीटे थे, भाव तो उचित भी था पर आपकी सरकार ने शायद 5 रुपये किलो रेट जरूर तय करे थे। मैं नहीं कहता रेट ज्यादा होने चाहिए, लेकिन शुरुआत और काम करने का प्रयास इस सरकार ने किसान हित में कहीं ना कहीं निश्चित रूप से किया। तो मेरा एक निवेदन है अपने भाइयों से, स्वाभिमानी कौम से, कि भारतीय पहले तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ और मोदी जी का नेतृत्व, और दूसरी बात समाजवादी पार्टी का ऐसा उम्मीदवार कि जिसका परिवार जिस अपराध में जेल में बंद है उससे घृणित अपराध हो नहीं सकता, और ये समाज उस अपराधी को कभी माफ नहीं करेगा जिसने ऐसी हरकत हमारे समाज की व्यक्ति के साथ की। तो मेरा निवेदन है आप सब भाइयों से कि मेरा ये निवेदन आपके माध्यम से सब गांव में पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भारी मतों से विजयी हो। और आज हम सब यहाँ हैं, पड़ोस में आपके कई नेता है, चौधरी उदयभान सिंह यहाँ है, मथुरा में चौधरी लक्ष्मण है, दिल्ली में आपने मुझे भेज रखा है। तो मेरा निवेदन यह है कि सब भाई एक जगह रहेंगे, पार्टी में भी मजबूती आएगी और समाज में मजबूती आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।